आज भैया साल का आखिरी दिन, और आज साल के आखिरी दिन में मैं आप सभी भाइयों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो साल के शुरुआत से हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। हम लोग साल के शुरुआत में कितने सब्सक्राइबर थे मुझको ये तो याद नहीं है, लेकिन आपने साल के अंत तक हमको 100K के पास पहुँचा करके जो है वो छोड़ दिया है। ऑल दो टारगेट ये था कि साल के अंत तक 100K पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने अगले साल के शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली एक खुश करने का अवसर छोड़ दिया है कि तू अगले साल में खुश होना, अगला 100K के लिए सब इसी साल में खुश हो जाएगा क्या। तो एनीवेज सभी मेरे भाइयों का जो है वो बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन लोग सपोर्ट बना करके रखते हैं, कमेंट में मेरे लिए लड़ते हैं। और एनीवेज दोस्तों, तो आप लोगों के इस साल के आखिरी दिन में मैं यही आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा कि भाई आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए अगले साल में, बहुत सारा जो है वो लक आपको मिले, हर एक चीज़ में आपका लक आपका साथ दे, और उस लक के थ्रू और उस हैप्पीनेस के थ्रू आप जो है वो बहुत सारे पैसे कमाएं, बहुत धन प्राप्ति हो आपके जो है वो अगले साल में, मैं ये कामना करता हूँ। मेरे चैनल एनालिटिक्स में मैं देख रहा था, मेरे छोटे भाई लोग भी हैं बहुत सारे जो चैनल को देखते हैं, तुम लोग भाई खूब नंबर पाओ अपने अपने एग्ज़ाम में, सब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लो। मैं देख रहा था मेरे एज के भी बहुत सारे लोग हैं, तो जो अपन जिस लेवल पे हैं, अपन अपने करियर में नए नए हैं, सब अपने करियर में भाई आगे बढ़ो। और मैं ये भी देख रहा था कि बहुत बड़े लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, तो सभी मेरे बड़े अंकल और सर और आंटी अगर कोई देख रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आशीर्वाद का हमारे चैनल पर और मेरे ऊपर। आप लोग भी, आपके लाइफ में भी बहुत सारी हैप्पीनेस आए। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैनचेस्टर सिटी का गेम हुआ शेफील्ड के खिलाफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम हुआ नॉटिंगम के खिलाफ, दोनों गेम्स के बारे में बात करेंगे। हमारी इंडियन टीम कतार पहुंची है, बात करेंगे उसके बारे में भी। और तो और गुंडोगान को हुई इंजरी, रियल मैड्रिड फैंस के लिए खुशखबरी, एम्बाप्पे का सागा कभी खत्म होते नजर नहीं आ रहा है, और भी कई सारी चीजें आज की वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। खैर वीडियो को चालू करते बिना किसी देरी के, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर इंडियन नेशनल टीम जो कतार गई है भाई AFC में पार्ट लेने के लिए। सो दोस्तों, मैं अपने आप को सही व्यक्ति नहीं मानता हूँ ये बताने वाला आप लोगों को कि कौन से प्लेयर की जगह बनती थी उस नेशनल टीम के सिलेक्शन में और किसकी नहीं बनती थी, बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट इंडियन नेशनल फुटबॉल एंड इट्स अ शेम। आई नो मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ISL वगैरह देख रहा हूँ, बट स्टिल मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचा हूँ कि मैं गेज कर पाऊँ कि कौन से प्लेयर को जो है वो वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए थी। बट एनीवेज पूरी नेशनल टीम पहुँची है और ऑल द बेस्ट रहेगा भाई नेशनल टीम को। टीम शीट आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख लें कौन सा प्लेयर सही है नहीं है, आप लोग जज करके कमेंट सेक्शन में मुझको बता करके जाना दोस्तों। बाकी आई हैव नो और वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल फुटबॉल, जो सच है वो सच है यार, क्या मतलब किसी साइट से देख करके आपको अनुवाद करके बताऊं, वो काम कभी जीवन में करा नहीं और ना कभी करूंगा, जो बात रहती है सच रहती है। चैनल पे एक चीज मैं डे वन से बना करके रखा हूं, आई विल ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू माई ऑडियंस, जो सच बात है वो सच बात है, बात खत्म। और सच बात यह है कि मुझको नहीं पता नेशनल टीम के बारे में, तो मैं फालतू ज्ञान नहीं बघारूंगा। अगली खबर में बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है दो गेम्स के बारे में, यूनाइटेड और सिटी की। तो सिटी की थी शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ, दो गोल मार करके सिटी जीत जाती है गेम। ऑल दो उतना एंटरटेनिंग गेम नहीं था मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा जो है वो सिटी वाले अप्रोच में खेल रही थी, पोजीशन और डोमिनेट कर रही थी, अटैकिंग उतना गेम देखने को नहीं मिला, बट दो गोल्स देखने को मिले। फर्स्ट हाफ वेज वेरी पुअर, सेकेंड हाफ में शायद रॉड्री का एक गोल अपन को देखने को मिला था विच वॉज रियली गुड, एंड दो गोल के साथ सिटी जीत जाती है। अगला गेम जो मैंने देखा है 60 मिनट एकदम, वो है यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंगम फॉरेस्ट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू नोट इज दैट नॉटिंगम फॉरेस्ट का ये जो विन आया है यूनाइटेड के खिलाफ वो 29 ईयर्स के बाद आया है। द लास्ट विन दे हैड वॉज इन 1994 एंड वो भी विन 2-1 की थी, और ये भी विन 2-1 की है, और होम टीम अपने होम में ले जा करके, मतलब राइवल है ना नॉटिंगम और यूनाइटेड, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ,
राइवल लोग हराते हैं अपने होम में 29 ईयर्स के बाद, वो एक बहुत बड़ी बात है नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। 2 गोल से जीत रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट, अच्छा डोमिनेट कर रही थी। 1 गोल यूनाइटेड मार के 1-1 कर दी थी, बट वो गोल भी मैट टर्नर ने, जो गोलकीपर है नॉटिंघम का, उसने दे दिया ऐसे, मतलब पास गलत डाल दी, गर्नाचो ने इंटरसेप्ट करके अपने रैशवर्ड को बॉल दिया और रैशवर्ड ने गोल मार दिया। लेकिन उसके बाद फिर नॉटिंघम ने गजब का प्ले बना करके 1-1 के बाद अपना गोल स्कोर 2-1 कर दिया। गजब का गोल था। गोल इज ऑन इंस्टाग्राम हमारे आईडी में AKG Football जाकर के फॉलो कर लेना आप, तो वहां पे स्टोरी मैंने डाल दी है गोल। एंड भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत जाती है। राइट नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट इज ऑन 15th पोजीशन और रेलीगेशन पॉइंट से ऊपर हैं, 5 पॉइंट, बहुत आराम से सांस ले रहे होंगे रेलीगेशन से ऊपर हो करके। और भाई यूनाइटेड 7th ऑन दी पोजीशन के साथ जो है वो ख़त्म कर रही है साल को विद 31 पॉइंट्स, 36 पॉइंट्स के साथ टॉटेनम 5th में बैठी है, तो सीढ़ी लंबी चढ़नी पड़ेगी यूनाइटेड को। बहुत टफ सीज़न रहेगा यूनाइटेड के लिए अगला साल, ये मेरा मानना है। और एक और चीज़ छोटी सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने नूनो को अपॉइंट किया था, नूनो आते साथ 2 गेम्स इनको जिताए हैं, 1 न्यूकासल के खिलाफ और 1 जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। बहुत बड़ी बात है एक नए मैनेजर को आते साथ ये 2 विक्ट्रीज जो है वो देना। एनीवेज अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे बार्सिलोना से रिलेटेड। तो आज फुटेजेस जो है वो बाहर आई हैं, और वो बाहर आई हैं हमारे विक्टर रोक की विथ दी होल हमारी FC बार्सिलोना की टीम। तो आज ओपन ट्रेनिंग डे था, और ओपन ट्रेनिंग में जो है वो हमने देखा विक्टर रोक हैज स्कोर्ड इवन गोल्स फॉर FC बार्सिलोना। अच्छा स्ट्राइक था विक्टर रोक का, अच्छी पोजिशनिंग, अच्छी रनिंग, एंड रियली होप सो भाई विक्टर रोक इस तरीके से जो है वो खेलते हुए नजर आ गया तो मज़ा आ जाएगा। Although हमने ये भी देखा कि उस ट्रेनिंग सेशन में शावी वाज यूजिंग अ 3-5-2 वाला फॉर्मेशन, एंड 2 लेवेंडोस्की और भाई यहां पे उसके साथ जो है वो खिलवा रहा था विक्टर रोक के साथ, 2 स्ट्राइकर के साथ। सो इट वुड बी समथिंग रियली न्यू अगर ये चीज होती है तो, एंड मजा आ जाएगा अगर 3-5-2 वाला फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो विद विक्टर रोक एंड लेवेंडोस्की अप फ्रंट, बहुत तगड़ा हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट रहेगा विक्टर रोक को। इनिशियल इंप्रेशन मेरा यही था कि यार अच्छा नजर आया, मतलब टचेस, पासिंग बहुत तगड़ी लगी यार विक्टर रोक की, बिंग रियली वेरी ऑनेस्ट। सो ऑल दी बेस्ट है मेरा FC बार्सिलोना के विक्टर रोक को भी। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो रियल मैड्रिड फैंस के लिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशी के खबर रुक नहीं रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया, कल की या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोगों का विनीशियस जूनियर और कामाविंगा शेड्यूल से पहले ही वापस आ गए इंजरी से, और उनकी फिटनेस इतनी तगड़ी है। एंड अब और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, आर्दा गूलर इज ऑल्सो कमिंग out of injury and Danny Carvajal is also coming out of injury and both are expected to be featured in January के starting games। मतलब दोस्तों Arda Güler के finally हमको starting minutes देखने को मिलेंगे at Real Madrid, and even as a Barca fan I am quite excited to see how Arda Güler will be playing, and that too इतने सारे injuries के बाद relapse होते होते अब Arda Güler अगर आएगा pitch में तो उसकी performance कैसी रहेगी, I am excited to see that happening। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे Mbappe से related खबर। एम्बाप्पे की यार सागा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऑल दो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रियल मैड्रिड इज रेडी टू ऑफर एम्बाप्पे अ वेरी ह्यूज जो है वो भाई चेक। वो चेक जो है वो साइनिंग बोनस ही जो है वो 130 मिलियन का होगा, 26 मिलियन की जो है वो उसकी सैलरी रहेगी, और उस सैलरी के साथ रियल मैड्रिड का सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर जो है वो एम्बाप्पे बन जाएगा अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो। लेकिन आज रिपोर्ट PSG से, पेरिस से ऐसी निकल करके आ रही है कि PSG इज़ नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एम्बाप्पे का सागा विथ रियल मैड्रिड, बिकॉज PSG थिंक्स एंड बिलीव्स दैट Mbappe is very happy at PSG and Mbappe will be not making any decisions in January as such, and that is also confirmed by Fabrizio as well. Fabrizio ne bhi confirm kiya ki Mbappe won't be making any decisions in January. That means agar usko contract offer karti January mein Real Madrid as per law, एम्बाप्पे अगर साइन कर लेते हैं, ये प्री अग्रीमेंट रहता है, उसके बाद वो समर में ज्वाइन करेगा। ऑल्दो तो एज पर फैब्रिजियो अगर हम उनकी बात समझें तो एम्बाप्पे साइन नहीं करेगा मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो साइमेंटेनियसली रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि अगर एम्बाप्पे जनवरी में जवाब नहीं देता रियल मैड्रिड का, तो फिर रियल मैड्रिड एम्बाप्पे को बोलेगी कि तू जा, तू अब हम वापस से तेरे पीछे नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये ट्रांसफ़र सागा जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में कहाँ टर्न होता है। ये टर्न ऑफ इवेंट्स देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उत्सुक हूँ, एंड क्योंकि फैब्रिजियो कह रहा है कि वो डिसीजन नहीं लेगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अगर मैड्रिड को 15 दिन के अंदर रिस्पांस नहीं मिलता है एम्बाप्पे से तो मैड्रिड वापस चली जाएगी। तो क्या फिर मैड्रिड अगर ये समर में फ्री ट्रांसफ़र अवेलेबल रहा तो वापस उसके पास जाएगी कि नहीं जाएगी,
दीज आर सम थिंग्स विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन 2024 की क्या होने वाला है। सो ये उसकी खबर आज आई कि भाई नज़ीर अल खलीफा इज़ वेरी चिल्ड कि एम्बापे कहीं कुछ नहीं करने वाला, इज़ हैप्पी विद भाई PSG एंड अभी तो कुछ डिसीजन नहीं लेगा, हम उसको मना लेंगे जो है वो भाई समर विंडो तक। लेट्स सी मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। खैर अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो भाई गुंडोगान को हुई इंजरी के बारे में। सो आज जिम में सेशन हो रहा था कुछ इनका, और एज पर रिपोर्ट्स ये गुंडोगान को जो है वो ये जो चोट लगी है माथे में जहाँ पे उसको दो टाके लगे हैं, वो जब एक दरवाजे से निकल रहा था जा रहा था उस दरवाजे से टकरा करके इसको जो है वो ये इंजरी हुई है। अब कट थोड़ा सा डीप था तो दो टाके जो है वो लगने पड़ गए, और उन दो टाकों के चलते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुंडोगान विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दी अपकमिंग मैच ऑफ FC बार्सिलोना जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जनवरी को होने वाला है, डेट के बारे में कंफर्म नहीं हूँ लेकिन लास्ट परमास के खिलाफ होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। गुंडोगान विल बी टोटली फाइन अप टिल देन, एंड ये बहुत एक छोटा सा नॉक था जो गुंडोगान जो है वो इजीली ओवरकम कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, गुंडोगान इज ऑल फाइन, केवल दो टाके लगे हैं जस्ट एज अ प्रिकॉशन, और स्पीडी जो है वो रिकवरी हो जाए इसलिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रीमियर लीग का टेबल के बारे में बात कर लें क्या थोड़ा सा? खैर देखिए प्रीमियर लीग का टेबल देख करके मेरे को यही लग रहा है कि भाई मैन सिटी का ये जो विनिंग था ना अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड वॉज वेरी नेसेसरी, क्योंकि पिछला गेम में लोग हारे थे और अभी 40 पॉइंट्स के साथ जो है वो थर्ड ऑन द टेबल लग गई है सिटी, एंड ऊपर के तो टॉप फाइव आप देखें एकदम खचा खच चल रहा है, 42 42 40 40 एकदम नेक टू नेक रेज है, लेकिन सिक्स्थ पोजिशन तक मैं बोलूँगा कि नेक टू नेक रेज है, बाकी फिर आप देखें ना यूनाइटेड का थोड़ा सा स्लिप कर दी, 36 और 31 में गैप है, लेकिन गेम्स बचे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है मेरा ये भी मानना है। तो ये थी दोस्तों आज की खबरें, मैं मिलता हूँ आपसे कल डेली नेक्स्ट वीडियो में, शेष के टाइम टेक केयर पीस। कल मोस्ट प्रोबेबली जब हम मिलेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, तो आपसे मैं एक साल के बाद मिलता हूँ, बहुत गंदा जोक लेकिन ठीक है, एक साल के बाद मिलूंगा, बाय। का DNA भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।